नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको वैसोग्रैन टैबलेट के बारे में बता रहे हैं। वैसोग्रैन टैबलेट के अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हैं वह है एग्रोटामिन, प्रोक्लोरपेराजिन, कैफीन और पैरासीटामोल। एग्रोटामिन का प्रयोग माइग्रेन और रियानोड रोग के लिए किया जाता है। रियानोड रोग उंगलियां और पैरों के ठंडे तापमान के दबाव से सुन्न होने के कारण होता है। यह प्रभावित क्षेत्रों में रक्त के संचार को सीमित करती है। रेनोड रोग या फिर रेनोड रोग पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में ज़्यादा होता है। इसकी वजह से यानी जो रेनोड रोग है, त्वचा नीली और सफ़ेद हो जाती है। एग्रोटामिन तो माइग्रेन और रेनोड रोग के लिए मैंने बता दिया है। अब है प्रोक्लोरपेराजिन। प्रोक्लोरपेराजिन का उपयोग उल्टी, जी घबराना, चक्कर और सिजोफ्रेनिया, ये दिमाग से जुड़ी एक बीमारी होती है जिसमें व्यक्ति पागलों जैसा व्यवहार करता है, के उपचार में प्रोक्लोरपेराजिन का प्रयोग करते हैं। कैफीन कैफीन माइग्रेन जो कैफीन इसमें जो इंग्रेडिएंट्स के रूप में दिया है, कैफीन माइग्रेन का जो दर्द है में रक्त वाहिनियों के फैलाव के कारण यह दर्द होता है। कैफीन रक्त वाहिनियों को यानी संकुचित करने का काम करता है। इस प्रकार माइग्रेन के सिर दर्द में राहत मिलती है। एग्रोटामिन माइग्रेन के सिर दर्द में रक्त वाहिनियों के फैलाव होता है। एग्रोटामिन इन रक्त वाहिनियों को संकुचित करने का काम एग्रोटामिन भी करता है, जिससे माइग्रेन का सिर दर्द कम होता हो जाता है। प्रोक्लोरपेराजिन जो इंग्रेडिएंट्स इसमें दिया है, प्रोक्लोरपेराजिन यानी मस्तिष्क और आंत में डोपामाइन रिसेप्टर जो जी घबराना या उल्टी जैसी जो समस्या है को रोक कर यानी जो मरीज है उसकी स्थिति में सुधार करता है। यानी कहने का मतलब जो वैसोग्रेन टेबलेट है यह माइग्रेन, थकान, सिरदर्द, सुस्ती, बुखार, सिरदर्द, जोड़ों के दर्द, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया और वृषण में सूजन, पैरों में दर्द, साइटिका, कमर दर्द, मांसपेशियों में खिंचाव और मोच, एड़ी में दर्द, उल्टी और चिंता जैसी बीमारियों में किया जाता है। यह टैबलेट उन्हीं मरीजों के लिए अच्छी काम करेगी जिनको माइग्रेन की वजह से दर्द है, आम सिरदर्द नहीं है, यानी साधारण सिरदर्द नहीं है, माइग्रेन वाले सिरदर्द है या फिर सिजोफ्रेनिया जैसी समस्या है या फिर सिर में दर्द किसी भी यानी तेज़ दर्द है। प्रेग्नेंट लेडी को इस टैबलेट का प्रयोग नहीं करना है और छोटे बच्चे जो हैं उनको बिना डॉक्टर की राय से प्रेग्नेंट लेडी को बिना डॉक्टर की राय से इस टैबलेट का प्रयोग नहीं करना है। इस टैबलेट के साइड इफ़ेक्ट अगर हम इस टैबलेट को बिना डॉक्टर की राय से आप लोगे तो अगर आपको यह इनमें से कोई समस्या नहीं है यानी आपको माइग्रेन या फिर रेनोड रोग या फिर सिजोफ्रेनिया या वृषण में सूजन या फिर अन्य जो समस्या सिरदर्द है, साइटिका है, कमर दर्द है, मांसपेशियों का दर्द, ये समस्या आपको नहीं है, इसके बावजूद आप आम दर्द में सिर दर्द में आप इस टेबलेट का प्रयोग करेंगे तो आपको नींद में कमी, उल्टी और चिड़चिड़ापन, पेट में सूजन, उल्टी, मांसपेशियों में दर्द, वर्टिगो, झुनझुनी जैसा महसूस होना, चुभन, सुन्नता, जलन, छाती में दर्द, नाड़ियों का धीमा होना, सिर दर्द, त्वचा पर लाल चकत्ते, खुजली, जलन, लीवर का डैमेज होना, दस्त और भूख कम लगना, पेट में दर्द और खड़े होने पर अचानक रक्तचाप का कम होना यानी आर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन, पीलिया या फिर अंगों का बेकाबू होना, वजन बढ़ना आदि समस्याएं आपको हो सकती हैं। इसलिए आपको अगर माइग्रेन है या उसका दर्द है
या फिर आपको दिमाग से कोई जुड़ी समस्या है। बुखार के लिए इस टैबलेट का, भले ही इसमें पैरासीटामोल दिया है, तो आप इस टैबलेट का जो इंग्रेडिएंट्स के रूप में पैरासीटामोल दिया है, केवल आपको इस टैबलेट का प्रयोग बुखार के लिए या फिर छोटे मोटे सिर दर्द के लिए इस टैबलेट का प्रयोग नहीं करना है। धन्यवाद।